लिए लेकर आई हूँ चिकन स्टू और तंदूरी नान, जो बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और आप देखकर कहेंगे, सारी रेसिपीज़ आप खाना भूल जाएंगे जब ये तंदूरी नान और ऐसे चिकन स्टू मेरी रेसिपी से बनाएंगे। रेस्टोरेंट भी जाना भूल जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट रेसिपी यहाँ बनकर रेडी हुई है। और घर पर बने इतने टेस्टी स्वादिष्ट नान हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और हेल्दी भी हैं। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी कुकिंग तड़का। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ में जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन स्टू, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ नान स्टू के साथ में। नान बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो मैंने घर पर ही बनाएंगे, जो हेल्दी तरीके से बनकर रेडी होंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी मैंने लिया है वाइट फ्लावर यानी कि मैदा, उसको हमने अच्छे से छान कर लिया है। अब मैं जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करूँगी, यहाँ पर एक खाने का सोडा, ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर नहीं है। और ये आप देख सकते हैं मेजरमेंट, ये स्पून को हमने पूरा प्लेन करके लिया है, ये इतना ही हमने इसमें ऐड करना है। इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून यहाँ पर शुगर। और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी यहाँ पर सॉल्ट, नमक जो 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम है, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 3 बड़े स्पून यहाँ पर हमने दही ली है, इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे पानी। और ये देखिए फ्रेंड, नॉर्मल आटे के जैसा डो हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। चलिए स्टू बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, जिसको अच्छे से वॉश करके यहाँ पर लिया है फ्रेंड्स। प्रेशर कुकर को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैं 1 कटोरी ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 बड़े साइज़ के ओनियन, जिनको बारीक पीसेज में ऐसे कट कर लिया है स्लाइसेज में। यहाँ पर लिए हैं 3 टमाटर, ये भी बड़े साइज़ के थे, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 5 से 6 कलियों को यहाँ पर गार्लिक भी मैंने पील करने के बाद कट किया है फ्रेंड्स। और ये जो इंग्रेडिएंट है, 3 से 4 हरी मिर्च कट की है, और 4 हरी मिर्च हमने यहाँ पर लाल खड़ी मिर्च कट की है, और 4 से 5 ये जिंजर के स्लाइसेस लिए हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, 1/2 टीस्पून में ज़ीरा ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऑनियन, जो ऑनियन हमने काट के रखे थे वो ऐड कर देंगे। ऑनियन के साथ ही मैं यहाँ पर गार्लिक ऐड कर दूँगी। और 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर हम ऑनियन गार्लिक को सोटे करेंगे, ब्राउन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ सोटे करना है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर जिंजर और खड़ी मिर्च, ग्रीन चिली सब ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसे और भूनेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे चिकन, चिकन को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटर, और अब यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, ये छोटा स्पून है, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी नमक कर सकते हैं आप। मसालों में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम ही है, 2 बड़े स्पून हम यहाँ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट यहाँ पर भून चुके हैं। अब हम यहाँ पर 1 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको चला के फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर हम 4 से 5 सीटी आने तक कुक करें। चलिए 4 से 5 सीटी आने तक चिकन को कुक होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 4 से 5 सीटी आ चुकी हैं। अब इसे खोल कर हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पात के पत्ते। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम सौंफ, और ये कलौंजी सीड है, ये भी 1/2 टीस्पून से कम ली है,
और मेथी दाना भी मैंने यहाँ पर हाफ टीस्पून से कम लिया है, वो भी इसी में मिक्स है। इन सभी को हम थोड़ा क्रश कर लेंगे इमाम रिश्ते में डालकर। ये देखिए, इसे हम कहते हैं अचार का मसाला, जो हम अचार में भी ऐड करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर कूट लिया है अच्छे से, क्रश हो चुका है। चलिए ये भी इसमें ऐड, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कुछ हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब हमने यहाँ पर सभी मसालों के साथ चिकन को अच्छे से भून लेना है फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी बना है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा है। आप अगर चिकन कोरमा खाकर बोर हो गए हैं तो आप इसको बना सकते हैं, आप चाहे तो ये मटन का भी बना सकते हैं इसी प्रोसीजर से। बनकर रेडी है, यहाँ पर मैंने ऐड किया है हाफ कटोरी पानी। चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, नान बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे का ढो बिल्कुल रेडी है। अब मैं यहाँ पर सूखा थोड़ा मैदा पलाट लूँगी और उसी में मैंने नॉर्मल आटे की तरह इसकी एक पेड़ी बना लेनी और उसको इसी तरह से बिल्कुल बेल लेना है। यहाँ पर मैंने मीडियम आटे की पेड़ी रेडी कर ली है, अब यहाँ पर हम इसे नॉर्मल आटे की पेड़ी की तरह ही बेल लेंगे फ्रेंड्स। चलिए इसको बेल लेते हैं। यहाँ देखिए, हमने नॉर्मल आटे की पेड़ी की तरह इसको बेल लिया है और बीच में हमने थोड़ी सी धनिया पत्ती भी लगा दी है बेलन की मदद से। आप अगर चाहें तो यहाँ पर ब्लैक सीड भी, ब्लैक सेसमे सीड भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा गार्निशिंग के लिए, लेकिन मैं सिंपल बनाऊँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर चिकन स्टू के साथ इनको सर्व करना है। अब हम इसकी साइड को पलट देंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पानी लगाकर ब्रश की मदद से फ्रेंड इसको तवे पर ऐड कर दिया है। अब इसी तरह से हम मीडियम स्लो फ्लेम पर ही इसे थोड़ा कुक होने देंगे। ये देखिए, इधर से ये पूरा कुक हो चुका है। अब हम यहाँ पर तवे को इस तरह से पलट देंगे। बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप तवा नान बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये सारा सिक जाएगा। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आप घर पर बनाकर खा सकते हैं और हेल्दी भी है। ऐसे ही हमने चारों साइडों से इसे सेक लेना है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा और कितना अच्छा तवा नान बनकर यहाँ पर रेडी हुआ है। अब हम चाकू की मदद से इसकी साइड इस तरह से निकाल लेंगे और बहुत ही इजीली आसानी से निकल जाता है। गैस के फ्लेम को आप यहाँ पर स्लो रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से सभी साइड हम इसकी ऐसे निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा सा कलर इसका इधर से भी आया है और यहाँ से भी। आप चाहे तो इस पर बटर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे प्रोसीजर से सारे नान बना लेने हैं फ्रेंड्स। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ पर नान हमने कैसे बनाने हैं। चलिए यहाँ पर इस तरह जब हम हाथ पे अच्छे से नान को ले लेंगे फ्रेंड्स, तब हम पानी अप्लाई करेंगे और पानी वाली साइड से हम तवे पर डाल देंगे। इस तरह ही इसी तरीके से हमने ये नान बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बड़े ही मज़ेदार नान यहाँ पर बनकर रेडी हुए हैं और ये बाज़ार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसी तरह से नान घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए फ्रेंड्स, तंदूरी नान और चिकन स्टू बनकर रेडी है। यहाँ पर घर पर बने तंदूरी नान और चिकन स्टू बनकर रेडी है, जो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हैं और घर पर बने हैं और खाने में भी बड़े ही मज़ेदार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।